नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल प्रो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको जो पासो प्रिंटर आता है आपका लिपि का PV2, हालांकि काफ़ी पुराना मॉडल है, इसको आप कैसे इंस्टॉल करेंगे, क्या करना चाहिए, सर्विसिंग कैसे करेंगे और इसको कैसे ओपन करेंगे, वो सब मैं इन वीडियो में दिखाऊँगा। आज की वीडियो में आपको कैसे रीओपन करना है ना, डिसमेंटल करना है, वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, अगर मेरे आप चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका जो ओपन कवर है इसको आप खोल लीजिए, ये निकाल दीजिए। इसके बाद इसके साइड जो कवर हैं पेज से निकालने के बाद इसको ये निकाल दीजिए। और देखिए ये साइड में इसमें एक कवर लॉक होते हैं, इसको भी आप निकाल दीजिए, इधर से निकाल दीजिए और यहाँ से ये चिमटी डालकर इसके लॉक को दोनों तरफ से खोल दीजिए। इस तरह से आपका ये इसकी बॉडी खुल जाती है। जिस तरह जैसे आपने पहले भी वीडियो में देखा होगा, मेरी वीडियो में आपने जो आपका PR2E है सेम है, उसी तरह से खोलना है। बस इसमें आपको सावधानी रखना है कि आपकी जो प्लास्टिक के लॉक हैं वो डैमेज ना हो। इस तरह से इसके आप कवर को खोल सकते हैं, ये बड़े आराम से आपको धीरे धीरे इसको खोलना है। ये आपका कवर जो है आराम से निकल जाएगा इस तरह से। और ये आपका ये प्रिंटर निकल गया है, इसका कार्टेज को भी साइड में हेड करके इस कार्टेज को निकाल सकते हैं। ये प्रिंटर आपका निकल गया। इसके बाद इसकी जो सर्विसिंग होती है उसको आप चला के देख लीजिए ये, और इसकी आप सफाई कर दीजिए रॉड्स की ये। ये दोस्तों आधी से ज़्यादा जो गंदगी से ही आपकी प्रिंटर्स में खराबियां आती हैं। दोस्तों देख रहे हैं, इसको साफ कर दीजिए इस तरह से। इसके बाद दोस्तों ये आप इसकी सर्विसिंग भी कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा ये सिलिकॉन ऑयल आता है, इसको आप जो इसका जो रोडर है इस पर हेड की जो रोड है इस पर आप बड़ी आराम से एक एक बूंद लगाएं और इसको इस तरह से मूव करते हुए करें, क्योंकि जिससे क्या होगा कि जो आपकी डस्ट होगी वो इसको बाहर फेंकता जाता है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ठीक है, एकदम नहीं लेना आपको एंड तक, है ना। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करें, इससे कि इसकी डस्ट भी साफ़ होगी और इसका जो आपका जो ऑयल है वो प्रॉपर तरीके से सारी रॉड पर मूव हो जाएगा, है ना। ये कैसे साफ करते जाए, थोड़ा सा चाहें तो आप रोड इस पर भी हल्का सा लगा सकते हैं, क्योंकि ये पूरा चलने वाला आइटम है। तो इस तरह से सब कर सकते हैं इसकी सर्विसिंग। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर आपको जैसे इसकी मालर स्ट्रिप चेंज करनी है ये, तो वो भी आप बड़े आराम से इसको जैसे इस झूले को उतार कर ये इसको यहाँ से इस लॉक को निकाल के इसको निकाल सकते हैं और इसको बड़े आराम से पुश कर सकते हैं। वैसे आप लोगों ने किया होगा, बता रहा हूँ जनरली। और इस तरह से फिर इसको लाकर आप ये मूवमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और थोड़ा सा जो है थिनर वाला ये थिनर आती है मार्केट में ये, इसको लेके इसकी आप नीचे जो रॉड है वाली मालर स्टिप के नीचे इस पर क्या गंदगी छा जाती है तो आपके पासों फंसने लगती है, उसको भी आप अच्छी तरह से साफ कर सकते हैं, पेचकस से हल्का सा लगा के उसको भी साफ कर सकते हैं। ये इस तरह से दोस्तों मैंने आपकी आज की वीडियो में इसको कैसे ओपन करना है और कैसे इसकी सर्विसिंग करना है और फिर से इसको कैसे इंस्टॉल करना है मैं बता रहा हूँ, है ना। ये आप इसको बड़े आराम से इसको ऐसे बंद कर सकते हैं, इस तरह से ये
सब तरह से आप इसकी डस्ट निकाल सकते हैं, या अगर आपके पास ब्लोअर है तो ब्लोअर से इसका डस्ट क्लीन कर सकते हैं। ऐसे इस प्रिंटर में ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है, सेंसर वेस प्रिंटर है पूरा। और नीचे की जो इसकी पट्टी है आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये आपके वायर्स लगे हुए हैं, इनको भी आप क्लीन कर सकते हैं इसको पट्टी को निकाल कर। और इस तरह से आप इसकी सर्विसिंग करके प्रॉपर इससे आप सारा चेक कर सकते हैं। और इसके बाद आप इसकी रीपैकिंग है ना, सब करने के बाद इसको आप कवर में डालिए इस तरह से, लॉक उठा दीजिए और इसको आराम से आप, ये जो आपके ये लॉक जो राइट में लेफ्ट राइट लगे हुए हैं, ऐसे ही आपका ये फ्रंट का जो पैनल है इसको भी लगा दें। ये आपको लग गया है, और जो आपकी कार्टेज है इसको रिबिल्ड कर दें। देखिए इसको भी आपको इंस्टॉल करना है, हेड को भी आप साफ, नीचे जो हेड है उसको भी आप जो है थिनर लगा के साफ कर दें। मतलब आपको जहाँ जहाँ पेंटिंग चलती है और जहाँ रोड हैं ऐसी चीज़ें हैं वहाँ पर आराम से इसको पूरी तरह से साफ कर, और इस तरह से आप इसको कवर लगा दें। और इस तरह से दोस्तों, ये आज की वीडियो में मैंने आपको जो आपको पासवर्ड प्रिंटर आता है PV2 लिपि का, उसको कैसे आप इंस्टॉल करेंगे, ओपन करेंगे और उसको कैसे वर्क करेगा वो आपको मैंने बताया। अब अपन इसका एक सेल टेस्ट निकाल के चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये मतलब आपका जब देख रहे हैं कि आज आपका जैसे ये आप देख रहे हैं कि जैसे ये ऑन, कोई भी और लाइट ब्लिंक नहीं करी, सिर्फ ऑन चल रही है। इसका मतलब ये अभी आपका प्रॉपर कंडीशन में है, रनिंग कंडीशन में है दोस्तों। अब आपको जैसे दोस्तों सेल टेस्ट का निकालना है, तो उसके लिए पहले आप प्रिंटर ऑफ करें और जो आपका स्टेशन 2 उसको दबा के रखें और ऑन करें, है ना। और उसके बाद इसको छोड़ें, छोड़ने के बाद आप देखेंगे कि ये ऑन और रेडी मोड पे आ जाता है। इसके बाद आप पेपर लगा दें तो आपका ये सेल टेस्ट चालू है। इसका मतलब आपकी जो सर्विसिंग है या प्रिंटर है उसको आप चेक कर सकते हैं कि वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। जैसे आज के वीडियो में दोस्तों आपको बताया कि आज लिपि का PV2 प्रिंटर, इसको कैसे इसके और रीओपन करना है, उसकी सर्विसिंग कैसे करना है और उसको फिर से प्रॉपर पैक कैसे करना है और सर्विसिंग करके, और इसका सेल्फ टेस्ट भी कैसे निकालना है वो मैं आपको बताऊँ। ये देखिए, इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये इसका सेल्फ टेस्ट आ चुका है। मतलब आपकी जो मेहनत है वो बेकार नहीं है, और आपका इस तरह से ये इस प्रिंटर की सर्विसिंग और डिसमेंटल और ओपन कैसे करना है वो मैंने आपको बताया दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों।